हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे यूपी टेट 2021 एग्जाम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट अभी अभी यूपी वीवी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए जारी कर दी। जितने भी हमारे यूपी टेट 2021 परीक्षा के छात्र हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने 24 नंबर को काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट यूपी टेट के छात्रों के लिए जारी कर दी है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी हमारे सभी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के एग्जाम के छात्रों के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बताते हैं आपको पूरी अपडेट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचाई जा रही है। आगे भी आपको यूपी टेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचाई जाती रहेगी। चलिए जानते हैं यूपी टेट परीक्षा में किए गए बदलाव, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट हो गया, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों का शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक अगर आपके अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यही आपका अपना एकमात्र टेलीग्राम चैनल जहां पर हम लोग फ्री मॉक टेस्ट छात्रों को अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, फ्री मॉक आप लोगों को लगाने को मिल रहा है, साथ ही साथ फ्री कंटेंट जो प्रीवियस ईयर के यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहाँ पर हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। साथ ही साथ यूपी टेट हो गया, ठीक है, सी टेट हो गया और आप लोगों का सुपर टेट हो गया, ठीक है, इन तीनों एग्जामों की फुल तैयारी हम लोग अपने टेलीग्राम पर स्टार्ट करवा दिए। तो आप लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए सरकारी जॉब भी दबें। अभी तक ये 15,300 से ज़्यादा छात्र अभी तक हमेशा टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं और हज़ारों छात्र यहाँ पे, आपको बता दें हज़ारों छात्र यहाँ पे कंटेंट जो भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं हज़ारों छात्र लाभ भी ले रहे हैं। ठीक है, 12,000 लगभग 13,000 छात्र यहाँ पे, देखिए अभी हमने रिसेंट में एक कंटेंट शेयर किया था और 13,000 छात्रों ने यहाँ पे जो है इसको पढ़ा, तो बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी हद तक यहाँ पे छात्र फ्री कंटेंट का लाभ ले रहे हैं। तो आप लोग भी लाभ लीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, सरकारी जॉब भी दबाए सर्च करिए और ज्वाइन जरूर कर लेना। जैसा कि आपको पता है कि 28 नवंबर को आपका जो एग्ज़ाम है अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है, क्योंकि आपके अधिकतर छात्रों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सबसे पहली अपडेट आप लोगों के लिए, यूपी वीवी ने, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने यूपी टेट 2021 एग्जाम के छात्रों के लिए एक निर्देश जारी किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि आप लोगों के अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुए हैं तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 26 नवंबर तक आप लोगों का एडमिट कार्ड किसी भी हालत में आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा, और नहीं डाउनलोड होता तो फिर उन्होंने एक जो है कॉन्टैक्ट एक डिटेल दिया है, ठीक है, ईमेल आईडी दिया है, उसमें आप लोग अपना जो है अपना मेल करेंगे को वो लोग आप लोगों के ईमेल पे जो है आपका एडमिट कार्ड भी जारी भेज सकते हैं। ठीक है, और ये पहली अपडेट है, 26 नवंबर तक आप लोगों को एडमिट कार्ड किसी भी हालत में आ जाएगा। दूसरी अपडेट आप लोगों को बता दें, 28 नवंबर को होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट परीक्षा केंद्रों में 200 गज की परिधि में धारा जो है 144 लागू रहेगी। आपको पता होगा कि इस बार यूपी टेट में रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं, 22 लाख के करीबन छात्रों ने आवेदन किया और 22 लाख छात्रों की परीक्षा को कराना एक काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती होगी यूपी वीवी के लिए, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के लिए। और इस परिधि में जो है परीक्षा से संबंधित लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों का वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और टीईटी के आयोजन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रमुख हैं सचिव आपके दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। आदेश ये है कि परीक्षा केंद्र पर सचल दल, स्टैटिक मजिस्ट्रेट व पक्ष पर्यवेक्षक दलों द्वारा मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, और ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पाबंदी लगी गई है और काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं आप लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कोविड-19 का एक समझिए अलग से यहाँ पे रूल और रेगुलेशन बनाया गया है। अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो निर्देश वाले सेक्शन को जरूर पढ़ें, उसमें आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चीज़ें बताई गई। परीक्षार्थी इनको ध्यान रखना है, टेस्ट बुकलेट और ओएमआर सीट पर समान टेस्ट बुकलेट कोड अंकित हो, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में आप लोगों को जो अंकित पहचान पत्र की मूल कॉपी के साथ प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, किसी भी सेमेस्टर के अंक पत्र की मूल प्रति और अपनी आवंटित सीट पर ही बैठना होगा, अन्य अभ्यर्थी की जगह बैठेंगे तो रद्द हो जाएगा। आप लोगों का परीक्षा शुरू होने के बाद यदि केंद्र पर पहुंचे तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अपने साथ एक क्लिप बोर्ड लेकर आएं जिस पर कुछ लिखा ना हो। तो काफ़ी बड़ी अपडेट आप सभी की।